ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्ता वृदा या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और नवरात्रि के बाद आज इस पुनः शास्त्र चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। कंडवादि प्रकरण तक लघु सिद्धांत कौमुदी पर विचार हुआ है, आज उसके आगे हम लोग विचार करते हैं। आज के विवेचन की जो प्रक्रिया है, जो प्रकरण है, वह है आत्मनेपद प्रक्रिया। आत्मनेपद प्रक्रिया से संबद्ध हो दो सूत्रों का उल्लेख पूर्व में, अर्थात भ्वादि प्रकरण में किया गया है। पहला सूत्र आपका अनुदातंगित आत्मनेपदम और दूसरा सूत्र स्वरितंगिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले। इन दो सूत्रों का वहाँ प्रसंगानुसार विवेचन हुआ है। आज हम लोग जो विचार कर रहे हैं उसके आगे के जो सूत्र इस प्रकरण में दिए गए हैं उन पर हम विचार करेंगे। हमने उस समय बतलाया था कि आत्मनेपद नियामक, परस्मैपद नियामक जो सूत्र हैं ये सब नियम सूत्र हैं, क्योंकि ये नियमन करते हैं। जैसे बतलाया गया था कि लाह परस्मैपदम सूत्र जितने लादेश उनकी परस्मैपद संज्ञा का विधान करता है, और तंगानावात्मनेपदम यह सूत्र जो है वो तंग प्रत्याहार में आने वाले जितने भी प्रत्यय हैं और शानच कानच इनकी दोनों की वो आत्मनेपद संज्ञा करता है। तो इसलिए तिप्तश्जी इत्यादि सूत्र से सभी लकार के स्थान में प्राप्त होते हैं और उसमें अनुदात्तेत और अंगित जो धातु है उससे आत्मे पद के प्रत्ययों का नियमन होता है, प्रश्न पद के नियमन प्रत्ययों का नियमन नहीं होता है। तो संप्राप्त का नियमन करना, उनकी व्यवस्था देना, तो अव्यवस्थायाम व्यवस्था संपादकम नियम सूत्रम, अव्यवस्था में जो व्यवस्था का संपादक हो वो नियम सूत्र है। तो यहाँ पर नियम नियमत्व तो होता है, ये अगर अनुदात्तेत धातु है, ङित धातु है, तो से आत्मने पद का ही नियमन होगा, आत्मने पद से अतिरिक्त का नियमन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी आत्मने पद के नियमन के विषय में पूर्व में चर्चा हुई। आज का जो सूत्र है इन नियम सूत्रों के अंतर्गत यह कर्तरि कर्म व्यतिहारे, कर्म का व्यतिहार। कर्म शब्द यहाँ पर कर्तृसितम वाला कर्म संज्ञा का बोधक कर्म शब्द नहीं है, यहाँ कर्म शब्द जो है वो क्रिया का बोधक है। कर्म शब्द यहाँ क्रिया का तात्पर्य है और व्यतिहार शब्द का अर्थ होता है विशेषेण अतिशयम हरतीति व्यतिहार। विशेषण आहरण क्या होगा, तो विशेषण आहरण होता है जब किसी वस्तु का ग्रहण अपने वस्तु को दे करके उसके बदले में किया जाए, उसी को व्यतिहार कहते हैं।
व्यतिहार का अर्थ होता है विनिमय, जिसको अपनी भाषा में लोग कहते हैं अदलना बदलना। प्रायः बच्चे जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं तो कहते हैं भाई तुम्हारी कलम हमको बहुत अच्छी लगती है, वो कहता है तुम्हारी कलम बहुत अच्छी लगती है, ठीक है हमारी कलम तुम लो लो, तुम्हारी कलम हम ले लेते हैं। तो ये व्यतिहार हुआ। व्यतिहार द्रव्य का भी होता है, वस्तु का भी होता है। तो व्यतिहार जहाँ पर द्रव्य का है, गुण का है, तो वहाँ पर इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। परंतु जहाँ क्रिया का व्यतिहार है, विनिमय, वहाँ इस सूत्र की प्रवृत्ति होती। इसलिए सूत्र कहा गया क्रिया विनिमय द्वितीय कर्तरी आत्मपदम से। जब क्रिया का विनिमय द्वितीय हो, तो ऐसी अवस्था में जहाँ कर्तरी आत्मपदम से, जहाँ कर्ता में लकार हुआ है, वहाँ आत्मपद का विधान होगा। ये कर्तर लकार लिखा, कर्ता अर्थ में जहाँ लकार होगा वहाँ आत्मपद का विधान। तो कहा जहाँ पर कर्म में लकार होगा वहां क्या होगा? तो कहा जब कर्म में लकार होगा तो आगे सूत्र मिलेगा आपको भाव कर्मणो, उस सूत्र से स्वतः आत्म पद प्राप्त है, उसका नियम प्राप्त है। तो जहां स्वतः नियमन प्राप्त है वहां पर नियमन करने के लिए दूसरा सूत्र क्या करेगा जाकर के? इसलिए कर्तरी का, कर्ता अर्थ में जो हुआ है तो वहां आत्मपद का विधान करने वाला कोई दूसरा सूत्र नहीं है। इसलिए कर्तरी कहा, कर्तरी आत्मपद से, कर्ता में जो लकार हुआ है तो वहां आत्मपद का नियमन होता है। प्रयोग जैसे है व्यतिलुनीते, व्यतिलुनीते का तात्पर्य क्या है? कि यहाँ पर लवणक क्रिया, लवण मतलब कर्तन, काटना, लुई छेदने दात, कर्तन होना। तो व्यतिलुनीते यहाँ पर लवणक क्रिया का व्यतिहार है, विनिमय। व्यतिलुनीते का तात्पर्य हो जाता है कि अन्य से योग्यम लवणम अन्य करोति इत्यर्थ। जैसे कोई विद्वान ब्राह्मण है, नित्य उसका अध्ययन अध्यापन याग याजन आदि कर्म करता है, परंतु भोजन आदि के लिए कुछ कृषि कर्म भी कर लेता है, और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उस कृषि कर्म को कर देते हैं उसका। जैसे खेत में उसकी जुताई वगैरह करनी है, निदाई गुड़ाई करनी है, और बड़े हो जाने पर उसका लवन है, कर्तन है, वो अन्य उनके जो सहयोगी है कर देते हैं। परंतु सहयोगी किसी कारणवश नहीं आएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्वतः लवन करना पड़ेगा, स्वतः उसका कर्तन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। उसी को कहते हैं कर्म व्यतिहार या क्रिया व्यतिहार। उसी का इन्होंने वृत्ति में उल्लेख किया क्रिया विनिमये द्वितीय, क्रिया का विनिमय, विनिमय अदलना बदला दे तो वहाँ पर आत्मपद का विधान होता है। तो यहाँ पर भी है वितलुनीते का अर्थ होगा अन्यस्य सहयोग सहयोग सहयोगिना, ये ब्राह्मण भिन्ना जना तेषाम योग्यम यत लवनम तत् अन्य कह ब्राह्मण यह ब्रह्म कर्मणि रतः वर्तते सोपि तस्मिन कर्मणि प्रवर्तते तस्य कर्तुहु अभावात। ये सबने बताया कि अगर कोई सहयोगी जो है, सहयोग देने वाला है, क्योंकि कृषि कर्म अकेले नहीं हो सकता है, उसमें सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कार्य बहुत होते हैं, इसलिए क्रिया विनिमय वहाँ कहीं ना कहीं होता है। और तो इसलिए यहाँ क्रिया विनिमय है, क्रिया का विनिमय होने के कारण इस जगह पर जो है विपूर्वक अतिपूर्व जो लुई छेदने धातु है उसने आत्मपद का नियमन होगा। आत्मपद में प्रथम पुरुष एक वचन होगा और ता प्रत्यय होगा, टितात्म से एत हो जाएगा, तो व्यति लू ते बनेगा।
अब यहाँ पर चूंकि लुए छेदने धातु ये क्रादि गण की है, तो क्रादि भी अश्ना से अश्ना प्रत्यय आएगा, अश्ना में खाली ना बचेगा, व्यति लू ना ते बनेगा। अब व्यति लू ने लू ना ते इस अवस्था में जो लूए का दीर्घ ई है ऊ है, सूत्र है आप लोगों ने पढ़ा है प्वादी नाम ह्रस्वा, सूत्र से लू के ऊ को ह्रस्व हो जाएगा, तो व्यति लू ना ते बनेगा। और दूसरा सूत्र आपको उपस्थित होगा ई हल्य घो, तो हे लघु शासना का जो ना का आ है उसको ईत तो हो जाएगा, तो व्यति लुनी ते ऐसा रूप बनेगा, तो व्यति लुनी ते, व्यति लुनाते, व्यति लुनते, जैसे अपने क्रादिगण का रूप चलाया हाथ में पद का, उसी ढंग से इसका रूप होगा और इसका आप लोग अभ्यास करेंगे। अब यहाँ इधर हम रूपों का संचालन नहीं करेंगे, कारण है हमने आप लोगों को पूरे गणों के रूपों का विधिवत प्रत्येक का रूप चलाया है, जिसका अभ्यास करके उनका स्वयं का अभ्यास करना है, उसका चलाना है रूप। और जब सबका रूप चला लेंगे तो ये आत्मपद परस्मैपद लकार लकारार्थ कर्म कर्ति प्रक्रिया भाव कर्म प्रक्रिया के जितने रूप हैं आप स्वतः उनका संचालन कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम केवल रूप का सिद्धि स्वरूप कैसे बने केवल उतना ही हम बतलाएंगे। तो जैसे अभी ने बतलाया व्यति लुनीते का रूप कैसे बनता वो हमने आपके सामने सिद्ध किया। दूसरा सूत्र आता है ये निषेध सूत्र है, ये कहता है अगर गति का क्रिया का विनिमय द्योत्य है किंतु अगर वह धातु गत्यर्थक है हिंसार्थक है, तो ऐसे अवस्था में गत्यर्थक और हिंसार्थक धातु से कर क्रिया विनिमय द्योत रहने पर भी वहां परस्मयी पद का ही स्वरूप बनेगा, आत्म पद का नियमन वहां नहीं हो सकता है। यथा व्यति गच्छन्ति व्यतिघ्नन्ति, यहाँ व्यति पूर्वक गम धातु है और दूसरे में व्यति पूर्वक हन धातु है, तो यहाँ पर भी क्रिया विनिमय है, अन्यस्य योग्यम गमनम अन्यः करोति, अन्यस्य योग्यम हननम अन्यः करोति, ये उसका स्वरूप होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आत्म पद का नियमन नहीं हुआ कर्म व्यतिहार होने पर भी, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि न गति हिंसार थे भाई सूत्र से उसका निषेध होगा, इसलिए व्यति गच्छन व्यति गच्छति व्यति गच्छता व्यति गच्छन्ति या व्यति हन्ति व्यति हतः व्यति घ्नन्ति ऐसा ही रूप चलेगा, आत्म पद का नियमन वहां नहीं होगा। इसी प्रकार अवक्री नहीं नेरविषह सूत्र, नेरविषह सूत्र कहता है निपूर्वक जो विष धातु है उससे भी आत्मने पद का नियमन होता है। अब यहाँ पर ये क्रिया विनिमय नहीं है, क्योंकि क्रिया विनिमय का जो स्वरूप था वो केवल कर्तरी कर्म व्यतिहारे सूत्र के विषय में था और न गति हिंसार्थेभ्यश्च इस सूत्र के विषय में था। तो कहा न गति हिंसार्थेभ्य सूत्र के विषय में क्यों हुआ, कहा इसलिए कि न गति हिंसार्थेभ्य जो सूत्र है वो निषेध सूत्र है और निषेध निषेधक यो समान विषयकत्व, जो निषेध सूत्र है और निषेध्य सूत्र है उसकी समान विषयकता होती है। तो निषेध सूत्र कौन है, नगत हिंसार्थेभ्य, और निषेध्य सूत्र कौन है, कर्तर कर्म व्यतिहारे। तो इसलिए निषेध्य जो सूत्र कर्तर कर्म व्यतिहारे है तो कर्तर कर्म व्यतिहारे सूत्र के जो उसके उद्देश्य विधेय का स्वरूप होगा निमित्त का स्वरूप होगा वही स्वरूप निषेध सूत्र का भी होगा, ये समान विषयकता उनकी मानी जाती है। इस कारण से कर्म व्यतिहार अर्थ में कर्तर कर्म व्यतिहार सूत्र से अगर आत्म पद का नियमन होता है तो नगत हिंसार्थेभ्य सूत्र से कर्म व्यतिहार अर्थ में ही आत्म पद के नियमन का निषेध भी होगा, दूसरी जगह उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए
निर्विषय यह स्वतंत्र सूत्र है। यह कहता है निपूर्वक जो विषय धातु है उसे आत्मपद का नियमन होता है, वस्तुतः कर्तरी अर्थ में ही होता है। यह ऐसा मान सकते हैं कर्तरी अर्थ की यहां पर सर्वत्र प्रवृत्ति हो रही है। तो कर्तरी अभिनि तो जैसे निविशते निविशते सन्मार्गम, यह उदाहरण कारक प्रकरण में आप लोगों को मिला, अभिनिविशते सन्मार्गम, अभिनिविशते है अभिनिविशश्च, यहाँ पर निविशते सन्मार्गम इत्यादि कह सकते हैं। तो यहाँ निपूर्वक विषय धातु है उसे आत्मपद का नियमन होगा, निविशते निविशयते निविशंते ऐसा रूप चलेगा। अगला सूत्र आपका है, अच्छा एक चीज और ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो नी लिखा या कर्मत प्रतिहार लिखा तो एक चीज यहाँ पर विचारणीय है, क्या जो निर्विषय जैसे सूत्र है कि नी से पर जो विषय है धातु है उसको आत्मपद का नियमन हो, तो यहां पर जो नी है वो किस रूप में गृहित हो, क्योंकि दोनों रूप में हमारे सामने नी उपस्थित होता है, एक सार्थक रूप में एक निरर्थक रूप में। सार्थक रूप में वहां है जहां पर नी स्वतंत्र उपसर्ग के रूप में गृहित होता है, अनर्थक रूप में कहां है, यदा एक प्रयोग है मधुनि विशंति भ्रमराह, भ्रमराह मधुनि विशंति, तो मधुनि विशंति में यहां जो नी है मधुनि का वो भी तत्समीपवर्ती है, उससे भी पर यह विषय है, तो क्या उसको आत्मपद का नियमन होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो उस पर इसका समाधान है कि यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नी तो है, नी से पर विषय धातु है, उसको आत्मपद का नियमन होना चाहिए। तो उसका मुख्य समाधान है कि अर्थवत ग्रहण नानर्थकस्य ग्रहणम्, मधुनि भी जो नी है वो अनर्थक है। क्यों अनर्थक है, कि समुदाय अर्थवान होता, समुदाय का एक भाग अनर्थक होता है, इसलिए मधुनि ये संपूर्ण समुदाय ये सार्थक समुदाय, उसका एक भाग जो नी है वो निरर्थक है, इसलिए निरर्थक का जो नी है उसको मान करके विषधाव से अपने पद का नियमन आप नहीं कर सकते। निविशते में जो नी है वो सार्थक है क्योंकि उपसर्ग के रूप में प्रवृत्त है, इसलिए उसका ग्रहण वहां पर होगा। तो ये एक विचार विशेष रूप से है निविशते का। अगला सूत्र आपका जैसे हमने बताया परिव्यवेभ्यः क्रियः क्रियः, अर्थात परिपूर्वक विपूर्वक और अवपूर्वक, जो क्रीधातु कौन क्री धातु है, तो ये जो क्री धातु है ये क्री धातु जो है तो ये क्री धातु आपकी क्री क्रयणे अर्थ में धातु है, क्री क्रयणे इसका क्रीणाति क्रीणीता क्रीणंति रूप चलता है, क्रियादिगण की धातु। तो यहां क्री करणे जो धातु है वो प्रश्नपदी है, उभयपदी है, प्रश्न क्या उभयपदी है, क्रीणाति बनता है क्रीणीते भी बनता है। तो यहां ये जो सूत्र है ये कह रहा है कि परिपूर्वक और अपूर्वक और विपूर्वक अगर क्री धातु है तो उससे आत्मे पद का ही नियमन होगा, परस्मैपद का नियमन नहीं होगा। जैसे परिपूर्व इसे क्री धातु है, इससे भी आप जब आत्मपद का होगा तो यहां पर ला के स्थान में ता करते हो परिक्री चा बनेगा, चितात्म से एत होगा परिक्री ते, यह लघु से
स्ना के ना को ईत हो जाएगा, णत्व हो जाएगा, तो परिक्रीणीते ये रूप बनेगा, परिक्रीणीते, परिक्रीणाते, परिक्रीणते। इसी प्रकार विक्रीणीते, विक्रीणाते, विक्रीणते, और अवक्रीणीते, अवक्रीणाते, अवक्रीणते इत्यादि ये रूप इनके चलते हैं। अगला सूत्र आपका है विपराभ्याम जे, ये कहता है कि वि और परा, इनसे पर जो जी जय धातु है उसको भी आत्म पद का नियमन होता है। तो परिपूर्वक जी धातु है और परापूर्व नहीं, विपूर्वक जी धातु है और परापूर्वक जी धातु है, तो आत्म पद का नियमन जब हो जाएगा तो विजयते पराजयते के रूप बनता है। विपूर्वक जी धातु विजयते विजयते विजयंते, और परापूर्वक जो जी धातु को पराजयते पराजयते पराजयंते, ये इसके रूप बनते। ये भी स्वतंत्र है, इसमें भी कर्म विद्या इत्यादि का संबंध नहीं है, इसलिए इसका जो रूप बना हुआ है विजयते पराजयते। विजयते वैसे सामान्य रूप से जी धातु वो परस्मैपदी है, जयति जयता जयंती, तो ये जयति जयता जयंती रूप बनता है। अपरंतु यहाँ पर विपूर्वक और परापूर्वक होने के कारण ये आत्मपद होगा विजयते विजयते विजयंते पराजयते पराजयते पराजयंते। ये तीनों धातुएं, तीनों सूत्र जो है निर्विशा विपराभ्याम क्रिया और परिव्यव्यभ्या क्रिया और विपराभ्याम जे, ये स्वतंत्र रूप से इन सूत्रों की प्रवृत्ति हो रही है, किसी अर्थ विशेष में प्रवृत्ति नहीं होती। अर्थात कोई भी अर्थ विशेष हो, इनकी जो प्रवृत्ति होगी वो सामान्य रूप से आत्मपद का नियमन करेंगे। उसी प्रकार जैसे आपका जो है अनुदात्तगित आत्मपदम, ये आत्मपद का नियमन करता है। अगला आपका सूत्र है सामा व प्रविभ्यः स्थः, समपूर्वक, अपूर्वक, प्रपूर्वक और विपूर्वक, जो स्था धातु उसको भी आत्मने पद का नियमन होता है उसे भीत लगार के स्थान में, क्योंकि यहाँ पर भी कोई विशेष अर्थ का यहाँ उल्लेख नहीं है, इसलिए प्रत्येक अवस्था में समपूर्वक, अपूर्वक, प्रपूर्वक और विपूर्वक जो अवस्था धातु है उसे आत्मने पद का नियमन होगा, और जिसमें संतिष्ठते, अवतिष्ठते, वितिष्ठते, प्रतिष्ठते ये इसके रूप बनते हैं। यहाँ जैसा आप लोग जानते हैं शप होने के कारण यहाँ पर इसको तिष्ठ आदेश होता है प्रागात्मा इत्यादि सूत्र से, जिसके कारण इसका प्रतिष्ठते रूप बनता है। तो अवतिष्ठते, वितिष्ठते, प्रतिष्ठते और संपूर्वक होने संतिष्ठते, ये चार रूप संतिष्ठते अवित और अवतिष्ठते वितिष्ठते तीन और चौथ पांचवा रूप आपका हो गया प्रतिष्ठते। इन चार चार रूप है ये सम अव प्र वि चार रूप, इस तरह से इनका ज्ञान होता है। अगला सूत्र आपका जो आ रहा है वो अर्थ विशेष को लेकर के आ रहा है। अर्थ विशेष क्या है? अपन्हवे ज्ञ, अपन्नो शब्द का अर्थ होता है अपलाप। अपलाप का मतलब क्या हुआ? तो अपलाप का मतलब होता है कि उसका जो है उसको स्वीकार ना करना, उसको जो है ना मानना कि ये कार्य विशेष संपादन हुआ है। इसका जैसे यहाँ पर उदाहरण है शतम अपजानीते,
तो अप पूर्वक ज्ञा अवबोधने धातु से यहाँ पर लट लकार हुआ है और लट के स्थान में यहाँ पर आत्मपद का नियमन करने के लिए अपनवय ज्ञा ही सूत्र उपस्थित होता है, जो यहाँ पर इस ज्ञा धातु से अपन्नव अर्थ में अपलाप अर्थ में आत्मपद का नियमन होता है। तो अप ज्ञा और यहाँ पर आत्मपद होने से तप प्रत्यय होगा प्रथम पुरुष एकवचन में, और अप ज्ञा ता बनेगा, टीताप से एत होगा, श्ना होगा, ज्ञाजन और जा से यहाँ पर श्ना के ज्ञा के स्थान में जा आदेश होगा। तो अप जा ना ते बनेगा, और यह लोगों से ईत तो कर दीजिए श्ना को या को, तो अप जानी ते शतमप जानी ते, मैंने 100 रुपये का अपलाप करता है कि हमने नहीं लिया ऐसा अस्वीकार करता है। तो इस तरह से अपन्नव अर्थ में अपन्नव जैसे अपलाप, लाप अपलाप, मैंने उसको स्वीकार न करना, ये अपन्नव का तात्पर्य है। तो इसमें सर्वत्र जो है आत्मपद का नियमन होगा, इसलिए अपलपति इत्यर्थ का है उसका, शतम अपजाते हैं शतम अपलपति, अपलपति अर्थात तत्र स्व शत रूप्यकस्य स्वीकारम न तत्र अंगीकरोति इत्यादि। अगला सूत्र है अकर्मकाच्च। तो अकर्मक अर्थ जहाँ पर उपस्थित हो, अकर्मक का तात्पर्य आप लोग जानते हैं, वो आप लोगों को बताया गया है। तो अकर्मक धातु से, अकर्मक धातु कौन है? तो फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व अकर्मकत्व। तो सर्पिशो जानीते बे, यहां पर ज्ञा धातु क्या है? वो अकर्मक है। क्यों अकर्मक है? यहां कोई कर्म नहीं है इसका। कहे सर्पिशा तो एक कर्म हो रहा है, तो कहे सर्प सर्पिश शब्द की यहां पर संबंधत्वेन विवक्षा हो गई है। तो संबंधत्वेन विवक्षा होने कारण यहां जो है, तो यहाँ षष्ठी का विधान हो गया शतम, शत शब्द से, ये सर्पिश शब्द से, तो सर्पिश शब्द यहाँ पर षष्ठी हो जाती है, और सर्पिशः जानीते ये रूप इसका बनता है। अर्थ इसका होगा प्रवर्तत प्रवर्तते इत्यर्थ है, सर्पिशः जानीते असा सर्पिशा उपायन प्रवृत्ते। तो सर्पिश करणक उपाय से कार्य विशेष में प्रवृत्त होता है, ये उसका अर्थ बनता है। इसी तरह एक दूसरा सूत्र आ रहा है, वो भी अर्थ विशेष में विधान कर रहा है। ये कहता है उदश्चर सकर्मकात्, उद पूर्वक जो चर धातु और कैसा हो, सकर्मक हो, तो उससे भी आत्मपद का नियमन होता है। उदश्चर सकर्मकात् प्रयोग है धर्मम उच्चरते। तो धर्म उच्चरते में धर्म पूर्वक या उत पूर्वक जो चर धातु है यहाँ अकर्मक है, क्योंकि यहाँ कर्म धर्म है, तो ऐसी अवस्था में इसको यहाँ सकर्मक उत पूर्वक जो चर धातु है उससे यहाँ पर कर्म में लकार होगा, और नहीं कर्म में नहीं कर्ता अर्थ में ही लकार है, परंतु ये अकर्मक है तो उच्चरते रूप उसका बनेगा। यहाँ पर ये चर धातु जो है परस्मै पद की है, तो उच्चरते रूप बनता है इसका, और इसका अर्थ होगा धर्म उच्चरते अर्थात धर्मम उल्लंघ्य गच्छति इत्यर्थ, धर्म का उल्लंघन करके जा रहा है। तो यहाँ ये सकर्मक मान करके इस पर उत्पूर्वक चर धातु का यहाँ उल्लेख हुआ है, और उसको आत्मपद का नियमन हुआ है। तीसरा है, अगला सूत्र है समस्त तृतीया युक्तात्। ये कहता है
कि तृतीया से युक्त संपूर्वक जो चर धातु है उसको भी आत्मपद का नियमन होता है। यथा रथेन संचरते, रथेन ये तृतीयांत पद है और संपूर्वक चर धातु है। यद्यपि यहां पर ये अकर्मक है तो अकर्मक होने से अकर्मकाच्य सूत्र से हो सकता था, किंतु यहाँ इस सूत्र की प्रति इसलिए नहीं होगी कि वहाँ पर उसके पश्चात जो सूत्र है आपका है उदश्चर सकर्मकात है। उदश्चर सकर्मकात सूत्र के यहाँ पर सकर्मक की अनुवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ तृतीया युक्त जो संपूर्वक चर धातु है उसका ही उल्लेख यहाँ पर हुआ है। इसलिए यहाँ पर रथेन संचरते, यहाँ जो है संपूर्वक चर धातु से रथेन तृतीयांत का योग होने के कारण यहाँ समस्त तृतीय युक्तात् सूत्र के द्वारा आत्मने पद का नियमन होने से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में संचरते यह रूप होता है। संचरते संचरते संचरन्ते इत्यादि इसका रूप चलता है। अगला सूत्र आपका है दाणश्च साचे चतुर्थ्यर्थे, अर्थात संपूर्वात दाण तृतीयांतेन युक्तात् युक्तम स्यात् तृतीयाच्चे चतुर्थ्यर्थे। तात्पर्य है समपूर्वक जो दाधातु दाण धातु, दाधातु नहीं दाण धातु, दाण धातु के स्थान में वहां पर यच्छ आदेश हो जाता है और यच्छत यच्छता यच्छंत रूप चलता है। तो समपूर्वक जो दाण धातु है वस्तुतः इसमें तृतीया युक्ता समस्त तृतीया युक्ता सूत्र से यहाँ पर यह संपूर्ण सूत्र यहाँ पर अनुवृत्त होता है, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ बनता है संपूर्वात दाण तृतीयांतेन युक्तात् न तृतीयांतेन युक्ता युक्तम स्यात् युक्तात् उक्तम स्यात्। तृतीयांत से युक्त जो ऐसा जो दाण धातु है उसको तृतीयांतेन युक्तात् उक्तम स्यात्, उक्तम स्यात् अर्थात आत्मपदम स्यात्, आत्मपद का नियमन होता है। कब? तृतीया चे चतुर्थ्यर्थे, किंतु तृतीया जो है वो चतुर्थी के अर्थ में वहां पर विद्यमान हो। जैसे यहां पर प्रयोग है दास्या संयच्छते कामी, ये प्रयोग आपको आया है जो है उसमें जो है क्रिया या जो है उसमें कारक प्रकरण में आया है। तो वहाँ भी जो है दाण प्रयोग चतुर्थ्यर्थे तृतीया वहाँ पर आया, तो इसलिए दास्या संयच्छते कामु कहा, वहाँ ये उदाहरण आया हुआ है। तो यहाँ पर चतुर्थी तृतीया चतुर्थी के अर्थ में यहाँ पर तृतीया विभक्ति का नियमन हुआ है और उस तादृश तृतीयांत पद यहाँ पर दास्या है, जैसे कि सूत्र में दा तृतीया चे चतुर्थ्यर्थे स्यात्। तो यहाँ जो तृतीया चतुर्थी के अर्थ में है और उस तृतीयांत चतुर्थ्यर्थ में भी तो जो तृतीया उस तृतीयांत पद जो हुआ आपका दास्या उससे युक्त यहाँ पर है यच दाण धातु, उस दाण धातु से यहाँ पर आत्मने पद का नियमन होगा। तो सम दाण ला आत्मने पद होगा, प्रथम पुरुष एक वचन ता होगा, शप होगा, और जैसे शप करेंगे यहाँ पर जो है पाघ्राध्म इत्यादि सूत्र से दाण के स्थान में यच्छ आदेश होगा तो संयच्छ ते बनेगा। अब यहाँ पर शप प्रत्यय करेंगे तो संयच्छ आते और वर्ण सम्मेलनाधिकार करने पर संयच्छते कामी, ये रूप इसका बनता है। अगला सूत्र आपका है पूर्ववत सनह, सनह पूर्वो यो धातु तेन तुल्यम सन्नंतादपि आत्मे पदम स्यात्। तो सनह पूर्वम यो धातु, तो सनह पूर्व अर्थात जिस धातु से सन प्रत्यय हुआ है, तो वो धातु कैसा है? सन से पूर्व होगा। तेन तुल्यम सन्नंतादपि, तेन तुल्यम
अर्थात सन इस प्रत्यय के पूर्व जो धातु वह धातु से का जो स्वरूप जैसा है, अगर वो प्रश्नई पद है तो उसे वहाँ पर प्रश्नई पद का नियमन होगा, अगर आत्मपदी धातु है तो आत्मपद का नियम, इसलिए तुल्यम सन्नंतादपि आत्मपदम स्यात्। तो अर्थात सन इस प्रत्यय के विधान के पूर्व जो धातु अगर वो आत्मपदी है तो उसी के समान सन्नंद से भी उसे आत्मपद का नियम होगा, अन्यथा वो धातु प्रश्नई पद मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर एध धातु है, एध वृद्धो ये नित्य आत्मपदी, तो एधि तुम इच्छत इस विग्रह में जब एध धातु से आप सन प्रत्यय करेंगे, सन प्रत्यय होने पर अभ्यास आदि द्वित्वाधिकार हो करके एधि धीश ए बनेगा, सनाद्यांत अथवा धातु इसकी धातु संज्ञा करेंगे, लट करेंगे, लट के स्थान में इसी सूत्र से अर्थात पूर्ववत्सना सूत्र से यह आत्म पद का नियमन होगा, और प्रश्न आत्म पद में प्रथम पुरुष एक वचन में ता प्रत्यय होगा, और त प्रत्यय होने पर ए दि धीश ता की तरफ से एत, और शपाधिकार करने पर ए दि धीशते ये रूप सिद्ध होता है। इसी तरह से हलंताच्च सूत्र है, एक समीपात धला परह झलादि सन कित स्यात्, ये सूत्र यहाँ पर कितवत भाव करने के लिए, जैसे निपूर्वक विष धातु है उससे भी अगर हम यहाँ पर सन प्रत्यय करते हैं पूर्वसना सूत्र से, इसको भी आत्मपद का विधान हुआ है, तो नी तो विष विष विविष विविषसा, और चूँकि अनिट धातु है तो विविष सा, सा इस अवस्था में यहाँ पर इसको विष के शकार को मूर्धन्य शकार हो जाएगा, और वहाँ पर जो है तो सन के सकार के परे रहते षडो काशी से उसको क होगा, उसका से पर सन के सकार को शत हो जाए, काश क्ष हो जाएगा, तो नी वि विक्ष ते होगा। अब यहाँ लट जो है जो शब प्रत्यय हो जाएगा, तो शब में निविक नी वि विक्षते ऐसा रूप चलेगा। तो इस तरह से ये रूप आपका सिद्ध होता है। अगला जो आपका सूत्र है वह है गंधनावेक्षण सेवन साहसिक प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेशु क्रिया, गंधन अर्थ, अवेक्षण अर्थ, सेवन अर्थ, साहसिक अर्थ, प्रतियत्न अर्थ और प्रकथन अर्थ, उपयोग अर्थ, इन सभी अर्थों में क्रिय धातु से आत्मने पद का नियमन होता है। जैसे पहला गंधन, तो गंधन का तात्पर्य क्या है, तो उसको मूल कार्य कहते हैं गंधनम सूचनम, गंधन शब्द यहाँ पर सूचन अर्थ को कहता है, गंधनम सूचनम। तो गंधनम सूचनम में यहाँ सूचन का मतलब क्या होता है, तो सूचन का मतलब होता है कि उसको सूचित करना, जैसे गंधर्वम सूचनो उत्कुरते सूचयति इत्यर्थ है, तो केवल सूचित करता है। दूसरा क्या है, अवक्षेपण, अवक्षेपण का अर्थ होता है भर्त्सनम, उसको डांटना, जैसे प्रयोग है श्येनो वर्तिकाम उत्कुरते, यहाँ पर उत्पूर्वक क्री धातु है, तो वर्तिकाम उत्कुरुते यहाँ उत्पूर्वक क्री धातु करू, यहाँ पर इसको आत्मपद हो गया। किस अर्थ में, अवक्षेपण अर्थ में, अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, भर्त्सना, भर्त्सना माने डांटना, यह उसका रूप हो भर्त्सयति इत्यर्थ। इसी प्रकार जो हरिम उपकुरते सेवा अर्थ में हो गया, तो सेव हरिम उपकुरते, तो हरि को हरि तो हरि से सेवित होता है। इसी प्रकार परदारान प्रकुरुते, तो परदान प्रकुरुते में यहाँ पर साहसिक अर्थ है, पहला अर्थ जो है सूचन अर्थ है, सूचन अर्थ माने सूचना देना,
दूसरा क्या है, अवक्षेपण, अवक्षेपण मतलब भत्सना करना। ये सेना वर्तिकाम उत्कुरते, जो सेन है गरु, जो सेन का तात्पर्य हुआ बाज पक्षी, वो वर्तिका, वर्तिका माने बटेर, उसको उत्कुरते, उसको उत्कुरते अर्थात उसको भरसेती अर्थ, उसकी भर्त्सना करता है। हरिम उत्कुरते, यहाँ पर भी उत्पूर्वक क्री धातु है, तो किस अर्थ में यहाँ, तो आसेवन अर्थ है यहाँ पर, हरिम उत्कुरते हरि की सेवा में प्रवृत्त होता है। अब सहसा जो है, साहस अर्थ में, साहस का अर्थ है परदारान प्रकुरते ते सहसा प्रवर्तते, तो ये क्या है, ये भी जो है तो प्रतियत्न अर्थ में, प्रतियत्न का अर्थ होता है गुणाधान, प्रतियत्न माने प्रतियत्नम गुणाधानम, तो एधो एधो दकस्य उपस्कुरते, एधा दकस्य, दकस्य नाम काष्ठस्य उपकुरुते, तो एधो दकस्य उपस्कुरुते। इस प्रकार आगे है आपका कथन अर्थ में, तो कथम कथा अर्थ में हो गया, शतम प्रकुरुते हो गया, और जो है आगे है उपयोग अर्थ, तो उपयोग अर्थ का यहाँ उदाहरण इन्होंने दिया है, शतम प्रकुरुते धर्मार्थम विनियोग, तो ये चौथा उदाहरण हुआ, शतम प्रकुरुते अर्थात धर्मार्थम विनियुक्ते, धर्मार्थ में अपने को उपस्थित करता है। तो यहाँ जो है उपयोग अर्थ में विनियुक्त अर्थ, धर्मार्थ विनियुक्त अर्थ, धर्मार्थ कार्य में व्यय आदि काम कर रहा है, तो ये जो है उपयोग अर्थ में है, तो इसलिए इन इन अर्थों में जो है ये आत्मपद का नियमन होता है। एषु किम, केवल इन्हीं में हो, ऐसा क्यों कहा गया, तो उसके लिए कहा गया कटम करोति, यहाँ पर क्री धातु है, किंतु ये कटम करोति अर्थात ये जो है तो कटम रचयति या कटम विदधाति आदि उसका अर्थ होता है। तो यहाँ जो है गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न कथन प्रकथन और उपयोग, इन किसी भी अर्थ में ये उदाहरण नहीं है, इसलिए यहाँ इस सूत्र से इसकी धातु संज्ञा, क्या नाम है, यहाँ इसे क्री धातु से इसे आत्मनेपद का नियमन न हो करके परस्मैपद का ही होता है। भुजो नवने, अनवन भुज धातु के दो अर्थ हैं, तो भुज के दो अर्थ हैं, पालन और भक्षण। तो ये क्या कहता है, भुज धातु अनवने अर्थात जो है, तो भुज धातु से आत्मपद का नियमन होता है अनवन, अनवन अर्थ में अर्थात अवन का अर्थ होता है पालन, तो पालन अर्थ में भुज धातु को नहीं होना चाहिए, अगर भुज धातु पालन अर्थ में रहेगी तो वहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी। तो भुजो नवने सूत्र में ओदनम भूंगते या अनवन होकर के भोजन अर्थ वाला सूत्र है, इसलिए वहाँ आत्ने पद का वहाँ नियमन होता है, और जो अनयन अर्थ में है जैसे महिम भूनक्ति इत्यादि में, वहाँ आत्ने पद का नियमन नहीं होता है, वहाँ पर प्रश्न पद का ही नियमन होता है, ये इसका दुख विचार है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया में देखिए, इसका पहला जो सूत्र है वो जो है कर्ता अर्थ में, जहाँ कर्म का, कर्म माने क्रिया का, जहाँ व्यतिहार हो तो वहाँ द्रव्य विनिमय हो, तो उस स्थल में वहाँ पर नहीं द्रव्य विनिमय नहीं क्रिया विनिमय होते हो, तो वहाँ कर्ता अर्थ में आत्मपद का नियमन होता है। और जिससे बताया गया कि गत्यर्थ और हिंसार्थ से क्रिया कर्म विहार होने पर भी वहाँ पर
जो है इसका निषेध नहीं होगा। निर्विषाह सूत्र ये इसके विषय में बताया गया, ये निर्विषाह परिव्यक्रिया विपराभ्याम जय संवृत्तस्थ ये जो सूत्र हैं, और इसी प्रकार समप्रभ्यस्था ये किसी भी अर्थ विशेष में इनका विधान नहीं हो रहा है। इसी तरह से अपन हवे ज्ञ इस सूत्र में, सूत्र से जो है अपनो अर्थ में, अकर्मका से अकर्मक अर्थ में, उदस्य से कर्मकात्म में, समस्त तृतीया युक्तात् में, तृतीया से युक्त में, और दाण से चतुर्थ्यर्थ में जब तृतीया है, पूर्वत सना में यहाँ पर सनंत से, और हलंताच इस सूत्र से, इक समीप पर झलादि सन कित से आती सूत्र कितपत भाव करने के लिए इसका सूत्र। मुख्य सूत्र यह है जो एक अर्थ विशेष में कई से कार्य करता है, जैसे गंधन अर्थ में उत्कुरते प्रयोग है, अवक्षेपण में जो है सूचयतिका है, और जो है साहसिक जो है और प्रतियत्न, और तो इन इन अर्थों में तत्त्व उदाहरणों के द्वारा होता है। और भुजे नवने से ये विशेष सूत्र है, जिससे कि यहाँ पर अनवन अनवन अर्थात अर्थात भोजन अर्थ में विद्यमान जो जो है भुज धातु है उसे आत्मपद का नियमन होता है। और इस प्रकार इस प्रक्रिया में इन पूरे विचारों को दिया गया। अगला आपका प्रकरण बड़ा छोटा सा है, उस पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं, और ये प्रकरण आपका है परस्मै पद प्रक्रिया, जिसमें मात्र 6 सूत्र हैं। अब यहाँ प्रकरण थोड़ा सा कुछ कोई कुछ प्रकरण प्रायः छोटे भी मिलेंगे, कुछ बड़े भी मिलेंगे। जैसे पूर्व प्रकरण में आत्मने पद का नियमन किया गया, वैसे इस प्रकरण में परस्मै पद का नियमन हो रहा है। और ये एक विशेष चीज है कि यहाँ पर ये जितने सूत्र हैं ये किसी भी अर्थ विशेष का उल्लेख इनमें नहीं है साम, किंतु यहाँ पर क्या है तत्त प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट के साथ साथ पर जो निपात हैं तदयुक्त जो उपसर्ग हैं उनसे युक्त जो धातु हैं तत्त धातु के विशेष में तत्त अर्थ विशेष की प्राप्ति होती है। यथा अनुपराभ्याम क्रिया ये सूत्र है कर्तृगे च फले गंधनादौ च परस्मै पदम स्यात्। तो अनुपूर्वक जो क्रि धातु है, परापूर्वक जो क्रि धातु है, इसका अर्थ ही बताया गया है कि अगर कर्ता अर्थ में लकार हुआ है क्रि धातु से, अनु अथवा परा ये शब्द वहाँ पर उस धातु के योग में है, ऐसी अवस्था में उस धातु से क्या होगा परस्मैक पद का नियम, जैसे अनुकरोति पराकरोति, तो अनुपूर्वक क्री धातु परापूर्वक क्री धातु, इसे यहाँ पर कर्तृगे च फले और गंधनादि आदि अर्थ जब बाच रहेगा तो वहाँ पर परस्मैक पद होगा, इसलिए अनुकरोति पराकरोति में सभी अर्थों में ये प्रयोग होगा। अगला सूत्र आपका है अभिप्रत्यतिभ्य क्षिपः, तो अभिपूर्वक प्रतिपूर्वक और अतिपूर्वक जो क्षिप धातु क्षिप्रेरणे धातु, तो क्षिप्रेरणे धातु है इससे भी प्रस्मै पद का नियमन होता है। तो अधिक्षिपति ऐसा प्रयोग, अधिक्षिपति अधिक्षिपता अधिक्षिपन्ति ऐसा रूप होता है इसका। अगला है आपका है प्राद्वाह, प्रपूर्वक वह धातु से प्रस्मै पद का नियमन होगा, तो प्रवहति प्रवतः प्रवहन्ति प्रवहे, और तो इस तरह से इसका रूप है। परेर मृषः परिपूर्वक मृष धातु उसे भी प्रस्मै पद का नियमन होता है, परिमृष्यति परिमृषिता परिमृष्यन्ति। अगला सूत्र है व्यांग परिभ्यो रमः, विपूर्वक आंग पूर्वक परिपूर्वक जो रम धातु है उसे आप जो है प्रस्मै पद का नियमन करेंगे, प्रस्मै पद का नियमन करेंगे तो विरमति रूप बनेगा, अंग करेंगे तो जो है यहाँ
पर क्या होगा, आरमति ऐसा बनेगा, परिरमति ऐसा बनेगा। उपाच्य यज्ञम उपा यज्ञ यज्ञ दत्तम उदा यज्ञ दत्तम उपरमति। इसी प्रकार जो है ऊपर उपरमयति अर्थ है, उपरमयति अर्थ इसको बनता है। तो अंतर्भावित ऋण्यर्थ हो, यह क्या है, अंतर्भावित ऋण्यर्थ है, अर्थात ऋण्यर्थ न होने पर भी यहाँ ऋणिच न होने पर भी ऋण्यर्थ की जो है उपस्थिति कराता है। तो इस तरह से विर्मतिया रूप होते हैं। और उपाच्य तो उपपूर्वक धातु विशेष कोई भी धातु है उससे यहाँ पर आपने जो है प्रश्मयी पद का नियमन होता है। तो इस तरह से दोनों प्रकरणों की पूर्णता आज होती है। और आज यहीं पर इसका विश्राम करते हैं, क्योंकि भाव प्रक्रिया को विशेष रूप से उसको समझना होगा, अन्यथा उसका अर्थ करने में, क्योंकि प्रक्रिया ऐसी है कई इसमें विशेषताएं हैं, कहाँ पर भावक्रम प्रक्रिया होगी कहाँ नहीं होगी इसका भी विचार किया जाएगा। और कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। शास्त्र का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।